एक बार की बात है, वीरपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक पेड़ था जिस पर एक काले बुरे मुंह वाली चुड़ैल उल्टी लटकी रहती थी। उसका मुंह नीचे, पैर ऊपर की तरफ रहते थे और मुंह उसका टेढ़ा था, काली काली आंखें थी। फिर एक दिन मुकुट नाम का व्यक्ति अपनी नौकरी से वापस छुट्टियों में अपने गांव आ रहा था और वो एक पुलिस वाला था। उसके हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बैग था और वो अपनी मस्ती में मगन झूमता हुआ चला जा रहा था। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे वहाँ से डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, ये ऐसी डरावनी सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। जैसे उल्टी लटक रही थी और उसके गले में एक नीले रंग का इवरन चौखाने का एक कपड़ा सा पड़ा दिखाई देता। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? चुड़ैल! और इसका ये मुंह कैसा अजीब सा भयानक व डरावना है। तभी चुड़ैल उसे देखकर उसके पास आती है। मुझे लगता है निश्चिंत ही तुम अपने काम से वापस आ रहे हो और अपने गाँव जा रहे हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। मैं तुम्हें काम बताऊंगी, वो काम तुमको करना है। बोलो, करोगे? कैसा काम और मुझसे ही क्यों करने को बोल रही हो? क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो और वो भी साहसी हो। मुकुट, लेकिन मैं ये काम क्यों करूं? मुझे इससे क्या मिलेगा? ये काम मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए करने को बोल रही हूँ। चलो ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। बताओ क्या करना है? वो देखो, सामने जो पीपल का पेड़ है, तुम्हें उसके अंदर घुसना है। लेकिन मैं घुसूंगा कैसे? मैं तुम्हारी कमर में ये रस्सी बांध देती हूँ जिससे तुम अंदर चले जाओगे, और जब काम हो जाए तब आवाज मार देना मुझे, मैं तभी ही तुम्हें बाहर खींच लूंगी। ठीक है। जब तुम पेड़ के अंदर घुसोगे तब तुम घुसते ही एक बड़ा सा हॉल देखोगे जिसमें बहुत उजाला भी होगा और उसमें तीन कमरे भी होंगे। पहले कमरे में तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन तुम डरना नहीं। ये मेरा नीला इवरन ले जाओ, इस इवरन को उसके गले में डाल देना और उस पहले कमरे में तुम्हें बहुत सारी चांदी मिलेगी। तुम जितना चाहे चांदी ले आना। ऐसा क्या? हाँ, और फिर तुम दूसरे कमरे में जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें एक बिल्ला मिलेगा जो तुम्हें घूर की नजरों से देखेगा, और तुम फिर से वो ही इवरन उसके गले में डाल देना और दूसरे कमरे में तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा, जितना चाहो सोना ले लेना। ठीक है। और उसके बाद जब तीसरे कमरे में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक खतरनाक गिद्ध मिलेगा जो तुम्हें टकटकी नजरों से ताकेगा, लेकिन तुम फिर से वही इवरन उसके गले में डाल देना और उस तीसरे कमरे में तुम्हें हीरे जवाहरात मिलेंगे, तुम जितने चाहे ले लेना। और हाँ, तीनों कमरों की चाबी तुम्हें कमरों के बाहर ही मिलेगी। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा इसमें क्या फायदा है और तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? अरे हाँ, उस कमरे के पास एक और कमरा होगा जिसमें एक चमचमाता डिब्बा होगा जिसे तुम मेरे लिए लेते आना। चुड़ैल रस्सी बांध देती है और वो अपना बैग व बंदूक लेके अंदर चला जाता है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ, तुम रस्सी बांध दो। जैसे ही मुकुट घुसता है तो उस हॉल में उजाला होता है और पहले कमरे में जाता है। तो वहाँ एक कुत्ता उसे मिलता है। और वो चुड़ैल के कहे अनुसार वो नीला इवरन उसके गले में डाल देता है और वहाँ चांदी के सिक्के होते हैं, वो उसे अपने बैग में भर लेता है। और फिर दूसरे कमरे में जब जाता है तो वहाँ भी उसे एक बिल्ला खड़ा मिलता है। मुकुट फिर से वो इवरन उस बिल्ले के गले में डाल देता है और वहां रखे सोने के सिक्कों को जब देखता है तो वो उन चांदी के सिक्कों को वहीं छोड़ देता है। और वो अपने बैग और जूतों को सोने के सिक्कों से भर लेता है। उसके बाद वो जब तीसरे कमरे में जाता है तो वहां पर वो गिद्ध खड़ा मिलता है जो उसे टकाटक देखता है। मुकुट फिर से वो नीला इवरन उसके गले में डाल देता है
और वहां पर जब वो हीरे जवाहरात देखता है तो वो सोने के सिक्कों को वहीं छोड़ देता है और अपने बैग, जूतों व टोपी में हीरे भर लेता है और वहां से आ जाता है। उसके बाद वो पास के चौथे कमरे में जाता है और वहां से वो चमचमाता डिब्बा भी उठा लेता है जो कि चुड़ैल ने उससे मंगवाया था और फिर चुड़ैल को बिना देर करे आवाज मारता है, चुड़ैल जी मुझे ऊपर खींचो। चुड़ैल बिना एक पल गवाए उसको बाहर निकाल देती है। अरे अरे मैं तो बाहर भी आ गया। मेरा वो डब्बा लेके आए हो क्या? हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि चमचमाते डिब्बे में ऐसा क्या है जिसके बदले तुम मुझे इतने हीरे जवाहरात दे रही हो? इस डब्बे में मेरे जैसे लोगों की आत्माएं बंद हैं, जो मेरी दादी वापस आते टाइम भूल गई थी और एक ज्ञानी साधु ने अपने मंत्रों द्वारा ही सब आत्माओं को इस डिब्बे में बंद कर दिया। तब से ये आत्मा इसमें बंद है। अब तुम क्या करोगी? अब मैं इस इवेंट से इन सब आत्माओं को आजाद कर दूंगी और ये सब मेरी जैसी हो जाएं। फिर हम सब मिलकर मानव जाति को परेशान करेंगे क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती हूँ। अरे ऐसे तो ये सबको मार ही डालेगी और सारी मानव जाति में खलबली मच जाएगी, सब इसके आतंक से मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये डब्बा चुड़ैल को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अब वो डब्बा मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये डिब्बा तुमको नहीं दूंगा। और वो चुड़ैल को बंदूक से मार देता है और अपना बैग और वो डिब्बा लेके अपनी मस्ती में झूमता हुआ चलने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता है जहाँ पर कुछ विद्वान पंडित यज्ञ कर रहे होते हैं। तो वो उस चमचमाते डिब्बे को उस यज्ञ हवन में डाल देता है और इस तरह वो उल्टी लटकी चुड़ैल और सभी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाते हुए मुस्कुराते हुए मुकुट वापस अपने गांव पहुंच